नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। झूठी और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कमर कस ली है। झूठी खबर को पहचानने के लिए व्हाट्सएप ने नया फीचर ऐड किया है। ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि गूगल का वीडियो प्लेटफॉर्म भी झूठी खबरों से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है। फेक न्यूज से निपटने के लिए जहाँ यूट्यूब अपनी पॉलिसी में लगातार बदलाव कर रहा है, तो वहीं अब 2.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 125 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। YouTube ने जानकारी देते हुए कहा कि वो न्यूज सोर्स को और अधिक विश्वसनीय बनाएगा, खास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज के मामले में सावधानी बरती जाएगी जहां गलत सूचनाएं आसानी से फैल सकती हैं। फेक न्यूज को रोकने के सिलसिले में गूगल का एक प्लेटफॉर्म वीडियो सर्च के रिजल्ट में वीडियो और उससे जुड़ी न्यूज का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यूजर को दिखाना शुरू करेगा। इस वीडियो के साथ यूट्यूब एक वार्निंग भी देगा, जो खबरें अभी दिखाई जा रही हैं वो आगे बदल भी सकती हैं। ऐसा कर यूट्यूब फायरिंग, नेचर डिजास्टर और दूसरी घटनाओं को वायरल होने से रोकेगा। YouTube ने बताया कि अगले कुछ सालों में फेक न्यूज से निपटने के लिए वो 2.5 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा। YouTube दुनिया भर के न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में टिकाऊ और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग का आयोजन भी कर रहा है।